सारी अच्छाइयों का मजमुआ है और जहालत सारी बुराइयों की बुनियाद है। दौरे जमुनी में हर किस्म की बुराइयां थी। खाने काबा में 305 फूट रखे हुए थे, नंगे तवाफ करते थे, शराब बुड्ढी में पड़ी थी, लूट मार बाप मरते वक्त वसीयत करता था कि हमारी पूरा खानदान से लड़ाई है जिसको जारी रखना। लूट मार का ये आलम, लड़ाइयों का ये हाल, बच्चियों को जिंदा निर्मोर करते थे। लेकिन जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से इब्तिदा फरमाई वो तालीम, इल्म से इब्तिदा फरमाई, जहालत का खादिम। दीन आएगा, इल्म दीन आएगा तो इल्म दीन सारे गोशों को ठीक कर देगा। दीन उन पर सब कुछ सिखा देगा। इल्म दीन आएगा तो इल्म दीन सब कुछ सिखा देगा। तो जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही से इब्तिदा फरमाई। पहली वही कुफ्र शिर्क के बारे में नाजिल नहीं हुई, शराब की मजहबत के बारे में नाजिल नहीं हुई। कुफ्र शिर्क कैंसर से ज्यादा मोहलिक बीमारी, लेकिन उसके बारे में पहली आयत नहीं, शराब के बारे में नहीं और लड़ाई के बारे में नहीं, औरतों के सिलसिले के हुकूक के बारे में पहली वली नहीं। पहली वली आई तो एक पड़ा पर वो तालीम के बारे में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। हर गांव में हर इंसान की बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा मकान, मांगे इसको दुनिया का हर इंसान। रोटी कपड़ा मकान हर इंसान की जरूरत है, फिर बिजली, अच्छे रास्ते, फिल्टर पानी का निदान, स्कूल हॉस्पिटल, ये हर गांव की जरूरत है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये हर कौम की जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमान होने के नाते मक्तब, मस्जिद, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, ये हर मुसलमान की पहले नंबर की जरूरत है। पहली तो मैंने जो जरूरत है पेश की, वो दूसरे नंबर की जरूरत है। हमारी सबसे पहले नंबर की जरूरत ये मक्तब और मस्जिद है। हर मोमिन की ये बुनियादी जरूरत है। इसीलिए हमारे बच्चे जब मदरसे आते हैं तो अपना बस्ता आगे रखते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो थैला दफ्तर पीछे रखते हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम है कि दीन आगे और वो दुनिया पीछे है, दूसरे नंबर के ऊपर है। ये बच्चे हमें पैगाम देते हैं गलियों के लिए कि हमारे असातिज़ा माओ को पैगाम देते हैं कि आप दीन को पहले नंबर पर रखो और दुनिया को पीछे दूसरे नंबर के ऊपर रखो। मदारिस की एक तारीख है, एक इतिहास है मदरसों का। ये मदरसे क्या चीज है? हमारे बहुत से भाई ये समझते हैं मदरसा यानी जहाँ पर अलिफ़ा का पढ़ाया जाता है, जहाँ कुरान करीम पढ़ाया जाता है, बहुत सारा लफ्ज़ों में इतना ही समझते हैं। मदारिस खास तौर पर हिंदुस्तान में इस्लाम की और ईमान की बका का बहुत अहम जरिया है। स्पेन और अंडालुस में मुसलमानों की हुकूमत 600 साल तक रही, लेकिन इस्लामी हुकूमत का जब खातिमा हुआ तो इस्लाम का भी खातिमा हो गया। हुकूमत खत्म हुई तो इस्लाम का खातिमा हो गया। अभी तकरीबन 12 साल पहले
हजरत मुफ्ती खानपुरी साहब दामन परवाज रूम और आपके रुकबा का एक काफिला स्पेन पहुंचा था। कोतवा नामी शहर में जहां 1600 मस्जिदें थी, फरमाते हैं तारीख में लिखा है मुफ्ती महमूद साहब ने कि हमें असर की नमाज पढ़नी थी, बहुत चक्कर काटे। नदी रतन एक नौजवान ने कहा फलां इलाके में एक मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, वहां वहां पहुंचे। वो मस्जिद भी बन 1600 मस्जिदें थी, लेकिन अब ये हाल कि वो एक छोटी सी मस्जिद वो भी बन और तबा की जामे मस्जिद हरमैन शरीफैन के बाद, हरमे मक्की और हरमे नबवी के बाद ये तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, लेकिन लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ। स्पेन के एयरपोर्ट के ऊपर टिकला बताने वाला कोई नहीं, जहां 600 साल तक इस्लामी हुकूमत रही। ये इस्लामी हुकूमत के खातिमे के बाद इस्लाम का खातिमा हुआ। ताशकंद, बुखारा, खुरासान, रशिया के ये जो ममालिक हैं, रशिया जब टूटा तो ये 15 मुल्कों में तकसीम हुआ। इन मुल्कों में 400 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, और जब इस्लामी हुकूमत का खातिमा हुआ तो इस्लाम का खातिमा हो गया। हजरत मुफ्ती खानपुरी साहब दामन तरका तो उनका काफिला पहुंचा तो दो नौजवान आपके पास पहुंचे, अरब नौजवान थे, अरबी बोलने वाले। उन्होंने एक दरख्वास्त की कि हजरत आपके पास सहाय सिद्दा यानी बुखारी शरीफ, तिर्मिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये हदीस की किताबें हैं, हम उसको देखने के लिए तरसते हैं। वो इलाका जहां बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ लिखी गई, बड़े बड़े मुहद्दिसीन यहां पैदा हुए, जहां इन किताबों को तरकीब किया गया, उस इलाके में जब इस्लामी हुकूमत का खातिमा हुआ तो इस्लाम का भी खातिमा हो गया। खुरखाने बहुत वहां पर मौजूद होते हैं। महमूद साहब लिखते हैं कि मटकुआ के नाम से लाइब्रेरियां और खुरखाने बुकस्टॉल बहुत है, लेकिन एक भी नई किताब उन खुरखानों में नहीं मिलती। 1857 में जब मुगल सल्तनत का खातिमा हो रहा था और अंग्रेज इस मुल्क में छा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर आ रही थी, उनकी हुकूमत कायम हो रही थी, उस 1857 के मरहले पर हमारे अकाबिर हाजी मुकद्दस साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत ननोटवी अलैहि रहमत, हाजी आबिद साहब, हजरत गंगोही अलैहि रहमत, ये बुजुर्ग बड़े बेचैन थे, परेशान थे कि या अल्लाह, दो मुल्कों के अहवाल हमारे सामने है, इस्लामी हुकूमत का खातिमा हुआ, इस्लाम का खातिमा हुआ, ऐ अल्लाह ये बहुत अहम मरहला है 1857 का मरहला, ऐ अल्लाह उन्होंने सब जोड़कर मशवरे किए, रातों में उठ उठकर उन्होंने दुआएं की कि अल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम और ईमान की बका का सामान पैदा कर। अल्लाह ने उन दुआओं के नतीजे में इल्हामी तौर पर देवबंद का मदरसा अल्लाह पाक ने इनायत फरमाया, और उस देवबंद के मदरसे के तहत उसी के ये सब बच्चे हिंदुस्तान में, बल्कि सभीर में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मदरसे और मकतब फैले हुए हैं वो सब इसी मां की औलाद है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये मकतब और ये मदरसे ये मामूली चीज नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने रो रोकर अल्लाह से मांगा था, ईमान की हिफाजत का सामान मांगा था, अल्लाह ने उनके जवाब में उन दुआओं की कबूलियत के तौर पर अल्लाह ने ये मदरसे हमें अता फरमाए। अगर ये मदरसे नहीं रहे तो कल
कोई निगाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जनाने की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये मदरसे ना हो पाबंदा ना लगाएगी। हर घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, हर माँ बाप अपनी औलाद को दुआए कुनूत नहीं सिखला सकते। जमात पे जाने वाले अहबाब सुनाते हैं कि मौलाना पूरा चिल्ला दुआए कुनूत पर लग जाता है। ये इतना मेहनत का काम है, ये काम इन मकसद के जरिए मदरसों के जरिए अंजाम पाता है। तो ये मकतब और मदरसे ये मामूली चीज नहीं है। मैं इंदौर गया, तकरीब मरकज था, तकरीबन 400-450 आदमी वहां पर मुसल्ली नमाज में मौजूद थे। अमीर जमात मुझे कहने लगे कि मौलाना आप अपने गुजरात पर कयास न कीजिए, आपकी गुजरात की मस्जिद में अगर 500 मुसल्ली हो तो उनमें 450 को दुआए कुनूत की याद होती है, 50 को याद न हो। लेकिन ये जो 500 आदमी का मजमा आपको नजर आता है उसमें 400-450 आदमी को दुआए कुनूत की याद नहीं है। यानी वो बड़ी याद दिला रहे थे कि आपके गुजरात में मकतब सवारी मदरसे सुबह चलने वाले जो मदरसे थे ये अल्लाह की बहुत बड़ी नजर। लेकिन मेरे भाइयों मकतब में मदरसे में बच्चों को भेज देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। माँ बाप की एक जिम्मेदारी है, यहाँ तालीम मिलेगी वहाँ तरबियत, यहाँ जो सीखा है उसको अपने घरों में प्रैक्टिकली, ये थियरी है वो प्रैक्टिकल है, ये तालीम है वो तरबियत है, यहाँ जो सीखा है उसको अमली जमा पहनाना है। बच्चों ने पानी पीने की दुआ सीखी, खाने की दुआ सीखी, अब ये दुआ खाना और पीना ये तो घर पर होगा, ये दुआओं पर अमल कराना ये माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। या दूसरा तरीका ये है कि मौलाना को असाबीदा को घर बुला लो, खाते वक्त फिर ये दुआएं भी पढ़वा देंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको उंगली पकड़ कर मस्जिद में लाओ। 7 साल की उम्र में उदाउद शरीफ की इमारत है, हमारे भाई नदीम हुसैन साहब दामन बरकात हो उदाउद शरीफ पढ़ाते हैं। रिवायत है गुरु अबला रकूम मिसला बहुत अबना और कभी से नहीं, 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म है। मतलब क्या हुआ, 7 साल की उम्र में इनको नमाज सिखला दो। नमाज का हुक्म देने का मतलब ये है कि इनको नमाज सिखला दो। उन माँ बाप है जो अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज सिखला दे, ये मदद से एक फिल्टर है। घरों में जो गंदगियाँ और बुराइयाँ होती है, हर घर का माहौल अच्छा नहीं होता। कितने घराने ऐसे हैं, मैं छपड़ा के बारे में तो बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन आप अपने अखलाक से जाइए, बहुत ऐसे गाँव ऐसे घराने मिलेंगे जिन्होंने महीने से उन महीनों तक उनके घर में अस्पताल को फायरों में नौ की आवाज़ नहीं पहुँचती, महीनों महीनों तक पुराने मरीज नहीं खुलता, नूर का तड़का उनके घरों में नहीं आता। तो घर की बुराइयां और बीमारियों का ये फिल्टर मशीन है, जिनको घरों में माहौल नहीं मिलता यहाँ आकर इनको माहौल मिल जाता। हर मोहल्ले का माहौल अच्छा नहीं होता, बाल मोहल्ले अच्छे होते हैं बाल मोहल्ले में वो माहौल नहीं मिलता। तो ये हमारा मकसद मोहल्लों का फिल्टर मशीन है। स्कूल में जाने के बाद में बिल्कुल इख्तलाफ मखलूक, हर किस्म के लोग, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी, उपरियान और शिरकियात के बाद और लोग मान जमा होते हैं। तो स्कूल की जो बुराइयां होती है उसका एक बेहतर नसीब हमारा मकसद है। तो ये मकसद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। वालियों की जिम्मेदारी होगी कि वो घरों पर आने के बाद बच्चों को जो होना पड़ा है उन पर हमारी जामा पहनाने के लिए मेहनत करें। बच्चा जब मदरसा जा रहा हो सुबह सवेरे
दूसरे गांव में दूसरे लिहाज में हम देखते हैं स्कूलों से बहुत टीचर भी 80-90 साल की बुढ़िया औरतों को भी ये मालूम है कि इनका आज एक्स्ट्रा पीरियड है, इनका एग्जाम है, इनको ट्यूशन में जाना है, क्या क्या चीजें इनको याद है, लेकिन मदरसों के बारे में पदर मुड़ली का लफ्ज भी इनको सही तौर पर याद नहीं होता है। ये माहौल बनता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जब मदरसे भेजे तो उस वक्त उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करें, उनको उनकी टोपी पहनाए, उनका डंपर उनका बस्ता उसका इंतजाम करें, उनके हाथ में ले, उनके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए हमारी माए उनको ये कहें कि जाओ बेटा अल्लाह आपको वली बनाए, फिर ये बेटा वली बनेगा इंशाल्लाह, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, दाई बनेगा, दुनिया में अल्लाह का नाम और पैगाम पहुंचाएगा। ये माँ इतने ये कहा करे जाओ बेटा अल्लाह तुम्हें वली बनाए, वो जो डिसीजन की लीजिए इंशाल्लाह कब्रों में वो वली रहेंगे। ये मदरसे की बुनियाद डालने वाले हमारे जो मरहूमीन कब्रों में जा चुके हैं, ये एक एक बिस्मिल्लाह व अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने पर इनको एक अजर और सवाब जरूर मिलता होगा। इसलिए ये ईमान और बीमारी इस्लाम की हिफाजत के जरिए है। ये बच्चे ये मामूली बच्चे नहीं है, ये हमारा पटोरा का फ्यूचर है। पटोरा किसका नाम है तो मैं कहूंगा ये बच्चों का नाम है। देखने में छोटे नजर आते हैं, हीरे हीरो के कोई बड़े बड़े कार्टून नहीं होते, डायमंड और हीरे उनकी जो तजारत होती है सप्लाई होती है, आप दुकानों में चले जाइए उनके गोडाउन में चले जाइए, वहाँ आपको कोई बड़े बड़े कार्टून नहीं मिलेंगे, कोई छोटी छोटी डिब्बियों में रखे जाते हैं, कोई छोटी छोटी डिब्बियां हैं, लेकिन ये हीरे हैं। हमें इन बच्चों को अपने घरों में रहकर कुफ्रों शिर्क की नफरत दिलानी है, ईमान और इस्लाम की कदर और कीमत बतानी है। अगर हमारे पास ईमान और इस्लाम है तो इंशाअल्लाह करोड़ों साल की जन्नत हमारे लिए इंशाअल्लाह इंतजार कर रही है। और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरा मामला आ गया तो करोड़ों साल की नाकामी का मामला है। बचपन की जो तालीम हुआ करती है ये पत्थर की लकीर हुआ करती है, इसीलिए इस्लाम ने बच्चे की विलादत पर दादे कान में अजान और पाए कान में इकामत की तालीम दी। अभी तो बच्चा पैदा हुआ, एक मिनट हुआ वो दुनिया में आए हुए, वो अरबी को क्या जानेगा, बड़ी उम्र के लोगों को देखिए आज आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हैया सलाह का माना मालूम नहीं है। ये बच्चे के मन में अजान और इकामत क्यों कही जा रही है, बता ही ऐसा मालूम होता है कि बेयूट है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन शरीयत का कोई हुक्म बेकार नहीं होता है। ये ईमान का फाउंडेशन डाला जाता है, इसीलिए कहा जाता है अस्पतालों में डिलीवरी के मौके पर उलमा ने तंजीम करते हैं कि बहुत जल्दी अजान और इकामत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके कानों में म्यूजिक की आवाज पड़ जाए और वो म्यूजिक के दिमाग की बुनियाद होती है। गौसल बच्चे को गौसल लेने के लिए पानी बराबर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तखीर हो रही है तो बगैर गौसल के लिए अजान दे दो। इसलिए ईमान का फाउंडेशन है और उसी का नतीजा हम देखते हैं। अभी दिन से बहुत दूर गया गुजरा मुसलमान होता है, लेकिन जब मौका आता है तो वो इस्लाम के खिलाफ किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। आज की दुनिया ने और साइंस ने रिसर्च की कि मुसलमान इतना मजबूत क्यों है, ये अपनी जान देने के लिए जान की बाजी क्यों लगा देता है। वो एक नतीजे पर पहुंचे कि मुसलमान बच्चे की विरासत पर उसके कान में अजान और इकामत करी गई थी, उसका ये नतीजा है। मेरे भाइयों आज पूरी दुनिया अपने मजहब से रिश्ता नाता जोड़ चुकी है। मजहब मजहबी किताबें मजहबी शख्सियात मजहबी तालीमात उससे वो लोग रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं। फकत एक मुसलमान है जो आज भी अपने घरों में बाजार में दफ्तरों में ऑफिसों में तख्तेशाही के ऊपर अल्लाह रसूल का नाम लेता है,
ईमान और इस्लाम का तस्किरा करता है, जन्नत और जहन्नम अल्लाह की रजामंदी और नाराजगी का तस्किरा करता है। फकत एक मुसलमान एक ऐसा है, पांच आदमी बगैर टोपी के और एक आदमी टोपी वाला पहुंच जाए तो वो पांच आदमी को इनका गुस्सा आएगा कि अभी नमाज का वक्त नहीं है, अभी टोपी पहनने की क्या जरूरत है। बजाय शर्माने के वो इनको बोलते हैं, उल्टा मामला करते हैं, कपड़ी जुम्मा पहन कर बोल जाए और शर्त तक हो तो ये कहेंगे कि अभी रमजान पड़ी है, अभी जुम्मन पड़ी है, जुम्मन के लिए पहनिए चार पाँच बजे खाता थोड़ी है। तो आज पूरी दुनिया मजहब से, धर्म से और मजहबी किताबों से रिश्ता नाता तोड़ चुकी है। एक मुसलमान है जो हर जगह कुरान और हदीस अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, ये इनको पसंद नहीं है, इस पर इनको गुस्सा आता है। ये जो कुछ दुनिया में आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। हसन बोलते हैं ये कुब्ज है, ये हसन है, क्योंकि वो लोग बेलिबास है और हम लोग लिबास के साथ है, वो बेमजहब है हम मजहब के साथ है, तो इनको इसके ऊपर गुस्सा आता है। बहुत से नौजवान सवाल करते हैं हालात मुसलमानों के ऊपर क्यों है, बबुल के दरख्त के ऊपर कोई पत्थर नहीं मारता, आम का दरख्त होगा वहीं पर पत्थर मारता, शेर म्यूजियम में होता है, म्यूजियम में जो पुतला और शेर बना हुआ होता है गाजपोट का या जो भी मटीरियल का हो उसको, उससे किसी को कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता। म्यूजियम में तफरी के लिए जाने वाले लोग अपने बच्चों को शेर के ऊपर बिठाते थे, लेकिन अगर नहीं मालूम हो जाए कि दिखा और हकीकी शेर कहीं पर निकल चुका है तो जंगल वालों को फॉरेस्ट वालों को कौन करेंगे, यहाँ ये है गुना है ये जंगली जानवर है, और पूरे गांव में ऐलान शुरू हो जाएंगे हमारी के ऊपर, जगह जगह लोग फोन करेंगे अपने रिश्तेदारों को अपने औलाद को मुतालिकिन को कि रोते रहो, जिंदा और मुर्दा शेर में फर्क है, जिंदा मजहब और एक्सपायर्ड एक मजहब के अंदर यही फर्क है। दुनिया को आज जो गुस्सा है हसद है वो इसी दुनिया पर है, लिहाजा मेरे भाइयों परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज पहले से चली आ रही है। आज इस्लामी तालीमात किसी भी चीज को आप लेकर उठोगे तो दुनिया में आपको ये जवाब मिलेगा कि ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये आजादी राय के खिलाफ है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन और गुस्ताखी की जा रही है, हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि ये इंसानी हकूक में से है, ये आजादी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक को बोलने का हक है जो जाने बोले। आप इस्लाम की कोई भी चीज लेकर उठो तो आपको पूरी दुनिया में आपको परेशानियां होगी, इस्लामी मुल्कों को भी इस्लामी तालीमात पर अमल करने में आज परेशानियां पेश आ रही है, और नाम दिया जाता है इंसानी हकूक का, ह्यूमन राइट का। मेरे भाइयों ह्यूमन राइट इंसानी हकूक जो इस्लाम ने दिए हैं दुनिया की किसी कौम ने नहीं, ह्यूमन राइट का लफ्ज तो इन्होंने अभी 100 साल पहले बोलना शुरू किया होगा, इनको तो पैंट पहनना भी नहीं आता था, ये बैठकर पैंट पहनते थे, ये तो वो कौन है। और आज ह्यूमन राइट का नाम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले हमें ह्यूमन राइट इंसानी हकूक सिखाए। हज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा आप पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया हज्जतुल वदा के खुतबे से कुछ लेती है, दुनिया के जो कवानीन बनते हैं वो सब यहीं से लिए जाते हैं। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और सबसे पहला जो खुतबा दिया था वहीं से कितनी चीजें लेती है दुनिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी खुतबा, फिर बाद में आपकी शहादत हुई तो आखिरी खुतबे से पूरी दुनिया चोरी कर रही है। इस बार करके दुनिया इस्लामी कानून से चोरी कर रही है, ले रही है, वो
तालिब इल्म पूछने लगा कि मतलब क्या दलील है, प्रूफ कीजिए। मैंने कहा प्रूफ मांगो ने, औरतों की मीराश, औरतों के लिए वारसा मैचरी का हिस्सा, ये कौन सी कौम ने कौन से मुल्क ने आवाज कब उठाई, उसको तहकीक करो, आप मुझे तारीफ बदलाओ। औरतों को हुकूक दिलवाने के सिलसिले में आवाज अगर उठी है तो बहुत औतान देखो साल से उठी होगी, बहुत बहुत 200 साल पहले इनके बाद औरतों की मीराश के नाम से कोई चीज नहीं। इस्लाम ने 1450 साल पहले औरतों की मीराश का तस्करा पुराने मजीद में 1450 साल पहले किया। तो क्या कहा जाए, क्या इस्लाम ने इनसे लिया या इन्होंने इस्लाम से लिया? ये तो अभी 200 साल पहले उठे औरतों के हुकूक, इंसानी हुकूक, और इस्लाम 1450 साल पहले उसकी आवाज लगा चुका है। तो ये जितनी अच्छाइयां, जितनी खूबियां दुनिया में नजर आती है, दुनिया में जो कानून बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान दुनिया के हैं, या तो डायरेक्टली इस्लाम से लेते हैं या इनडायरेक्टली लेते हैं। इन्होंने जहां से लिया उन्होंने इस्लाम से लिया, या इन्होंने जहां से लिया उन्होंने जहां से लिया उन्होंने इस्लाम से लिया, यही नतीजा आपको नजर आएगा। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम की तालीमात बहुत मुकम्मल है, जामे है, कामिल है। अभी इस वक्त हिजाब का मसला चल रहा है, बहुत मोटी की बात है, क्योंकि सियासी उल्लू सीधा करना मकसद है, इसलिए ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे कट्टर से कट्टर हालात में एक तरफा ऐसा जरूर होता है जो सच्चाई को समझना चाहता है। तो ऐसे मौके पर हम अगर हिजाब और पर्दा और बुर्के की तालीमात उनके फवाइद को उनके सामने रखें और उनका फिक्री होना, अकल के मुआफिक होना, अगर इनके सामने दलील के जरिए पेश करें तो इंशाल्लाह एक तरफा आज भी ऐसा है जिनसे अच्छाई की उम्मीद है। यूरोप में इस्लाम कबूल करने वाली औरतें जो है उनमें से 85% एक ही 5% औरतें हिजाब और बुर्के की बुनियाद पर इस्लाम लाई है। अक्सर ये कहती है, वो कहती है कि हमें इस्लाम की बुर्के की तारीफ बहुत पसंद आई, कहा गया कि इसमें आपकी आजादी खत्म हो जाती है, इसमें तो गर्मी लगेगी, बुर्का पहनने से कार्टून जैसा मालूम होता है, गुना जैसा मालूम होता है। उन औरतों ने कहा कि हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें तहफुज और प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन इसी के अंदर है। गोर्बाचोव रशिया का सबसे आखिरी प्रेसिडेंट, जिसके बाद रशिया टूटा, टूटने से पहले जो सोवियत रशिया था पूरा मजमुआ, वो उसका जो आखिरी प्रेसिडेंट था गोर्बाचोव, उसने एक तहरीक और एक तंजीम बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि औरत जिनको बाजार में लाया गया, घरों से बाहर निकाला गया, उसने तहरीक चलाई थी कि इन औरतों को दोबारा घरों में कैसे लाया जाए। प्रोत्साहन का नाम की एक किताब है बाकायदा, वो उसी ने लिखी है और उसने उनको आम किया था, कोशिश की थी कि इन औरतों को घरों में लाना। देखिए कीमती चीजों को, बहुत अहम चीजों को छुपा कर रखा जाता है। आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाते वक्त लकड़ी, ईंट, रेत, कपची, इसको घर से बाहर डालते हैं, लेकिन बैंक से रुपया पैसा लाते हैं वो, सोना चांदी और जेवरात बनाते हैं वो, उसको आप बाहर नहीं रखते, उसको आप घर की अंदर वाले कमरे में, उसमें भी अलमारी के अंदर पिन लॉकर कितने लॉक के अंदर रखते हैं। क्यों? इसलिए ये कीमती चीज है। हाथ पांव को अल्लाह पाक ने बाहर रखा, खुला रखा, लेकिन हमारे दिल दिमाग को अल्लाह ने कुदरत ने भी उनको पर्दों में रखा, इसलिए वह ज्यादा कीमती चीज है। हड्डियों के ढांचे के अंदर अल्लाह पाक ने दिमाग को रखा, और हमारा दिल और हाल लचकदार हड्डियों के पिंजरे में अल्लाह ने रखा। क्यों? इसलिए बहुत कीमती है। आंख बहुत कीमती है, तो उसके ऊपर पलके, उसके ऊपर पर्दा,
लेकिन आत्मा को लाने को ला रखा है। इसके कीमती होने की दलील है, एक आम शहरी, एक आम नागरिक, मूर्ख का आम नागरिक निकलता है तो उसके साथ कोई प्रोटोकॉल, उसके साथ कोई बॉडी सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन कोई मिनिस्टर हो तो, प्राइम मिनिस्टर हो तो उसके साथ कितनी बड़ी सिक्योरिटी होती है। क्या ये पुलिस वगैरह उनके लिए कैद है या एहसान है? तो उसकी इज्जत का सामान होता है, ये कैद नहीं है, जो उनके कीमती होने की दलील होती है कि ये बहुत कीमती आदमी है। तो इस्लाम की नजर में औरत एक कीमती दौलत है, एक बहुत बड़ी नेमत है, उसकी हिफाजत की जरूरत है। कि वो ढंडोरा पीटते हैं कि इस्लाम ने औरत के पोजीशन को डाउन किया, औरत के मुकाम को घटाया, ये सवाल किया जाता है, इस्लाम ने औरत के मुकाम को घटाया या आपने घटाया? मेरे भाइयों, इश्काला सवाला इस तरह के होते रहेंगे। मेरी दरख्वास्त ये है कि ऐसे लोगों में हम मुतमईन रहें, इस्लामी तालिबान के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। मीडिया को सुनोगे तो मीडिया ही जहन करेगा, कुरान हदीस को सुनोगे तो इंशाल्लाह कुरान हदीस वाला जहन करेगा। इसलिए रमजान के महीने में मुझे यकीन है कि यहाँ पर तफसीर के हल्के लगते होंगे, तो उसमें हर आदमी को चाहिए, आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है। ये सारे सवाल का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। ये सब सवाल ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से चले आ रहे हैं, ये सब पीछे पीछे सवाल है। 14-15-20 सवाल पूरी दुनिया में चल रहे हैं और हरेक के हमारे पास, इस्लाम के पास ढेर के ढेर वॉल्यूम के वॉल्यूम हमारे पास उनके जवाब मौजूद है। तो एक तो जवाब नहीं, अगर खानी रखना फरमाया करते थे कि पूरी दुनिया के वकील, पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया के इंजीनियर अगर इस्लाम के बारे में कुछ सवाल करें, अगर खान जाएगा फरमा देते कि मैं इनको 2 मिनट मिला जवाब कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे गांव के अंदर भी वो उलमा मौजूद है, वो फूक के जरिए से उनका जवाब दे सकते हैं। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इतना सामान मौजूद है। लिहाजा हमें मीडिया को सुनने से ज्यादा इसको सुनने की जरूरत है। खास तौर पर माने मुबारक आ रहा है, माने मुबारक में खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ये मीडिया हमारी उंगलियों को फ्री रखो। नौजवानों से मैं आज ही ना दरखास्त करूंगा कि उंगलियों को फ्री रखो, यानी टेक्नोलॉजी और मोबाइल और ये वो उसमें मत लगाओ। बहुत सख्त वही है जिसको रमजान का मुबारक महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना कर पाए, वो आदमी हलाक हो जियो। जिब्रील अमीन ने बदुआ फरमाई और जनाबे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अमीन फरमाई है। अगर आप इबादत नहीं कर सकते, लंबी तहज्जुद नहीं कर सकते, ज्यादा तिलावत नहीं कर सकते तो सो जाइए, लेकिन IPL देखने में, मोबाइल के पीछे जो टाइम किलर भी है, ईमान किलर भी है, कईयों करके कई ईमान जाए हो चुका है उनके पीछे। लिहाजा रमजान के मुबारक महीने में अपने वक्त की हिफाजत की जाए, अपने ईमान की हिफाजत की जाए। आखिरी नंबर पर मैं एक बात हमारे भाइयों से एक आजीना में दरख्वास्त करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त तो बहुत मजबूत है, लेकिन मैं गांव के सब नौजवानों से, सारे भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि हम जहाँ जहाँ भी जाएं, चाहे कारोबार के एतबार से, कारोबारी लाइन में कहीं पहुंचे, दावत और तकलीफ में कहीं पर पहुंचे, जहाँ जहाँ आप जाएं उन इलाकों के अंदर मकतब है या नहीं उसकी फिक्रें, वहाँ इलाके के लोगों को, जिम्मेदारों को उसकी फिक्रें दिलाएं। इंशाल्लाह आपकी ये थोड़ी सी मेहनत वहाँ मकतब कायम करने का जरिया बन जाएगी, सबक बन जाएगी और इंशाल्लाह हम फिर खबरों में उसके मजे लेते रहेंगे। बहुत सत्तर बड़ा है, थोड़ी सी फिक्र कर लेना है। दो चार आदमी जिम्मेदारों को बुलाकर कि यहाँ एक मकतब होना चाहिए, हर मस्जिद में, हर गांव में मकतब होना चाहिए। अल्लाह ने हमें अहले गुजरात को ये नेमत दी है, हम इसके ऊपर सांप बनकर न बैठे रहे, जिसको फैलाए, इस नेटवर्क को, मकतब के जाल को फैलाए, जहाँ भी जाए, शिमला जाए, मसूरी जाए, घूमने के लिए जाए, वहाँ भी आप मकतब की फिक्र कर लें तो इंशाल्लाह आपका सफर इस्लामी सफर बन जाएगा। हमारा कोई भी बच्चा गांव में हो, बाहर निकले तो क्या पहन कर आदत
जमा इकट्ठा, रात में जब सुबह को उठाए तो बेकार हो तो फौरन पहले नंबर पर वो टोपी ढूंढे, ऐसी आदत डलवाई। और मैं एक उम्र के बाद उसके हाथ से मामला निकल जाता है। आज हमने कॉलगेट खत्म हो गया, ब्रश खत्म हो गया, उसकी फिक्र होती है, फौरन ले आते हैं, लेकिन मिसवाक हमने नहीं दी अपने बच्चों को, मिसवाक की फिक्र नहीं की। हमारी जिम्मेदारी है इस्लामी तहजीब और इस्लामी कल्चर की एक एक चीज को हमें बहुत मोहब्बत है उसकी हिफाजत करना है, और हिफाजत का यही तरीका है कि इसको अपनाएं, गले लगाएं, अपनी जिंदगियों में लाएं। इसको मामूली न समझे, मिसवाक की सुन्नत को रिजा इलाही का जरिया है, मौत के वक्त करीमे तैयबा और हुस्ने खातिमा का सबब है ये मिसवाक। लिहाजा हम अपने बच्चों को छोटी से लेकर बड़ी चीज तक एक एक चीज की तालीम और तलकीन दे करें। अल्लाह तबारक तआला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे लिए अमल करना।